तो सभी को गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग कर लेते। चलो आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत छोटा सा है, कुछ ही देर में हो जाएगा। यूनिट वन, क्या नाम है? 9th चैप्टर, यूनिट वन, बाद में करें। ठीक है, समय कम था तो मैंने कहा ये करा दे। तो यूनिट वन थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। अब देखो, नाम ही सिंपल है, ट्रेड तो समझ में आ गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इंटरनेशनल ट्रेड मतलब सर आउट ऑफ द कंट्री, विदेशों से गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। इसको मैं क्या नाम देता हूं? इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन के बाद इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत बढ़ावा मिला। कह रहा है इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज बिटवीन। देखो आज की डेट में रिसोर्सेज जो है वो भी बड़ी इजीली एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज। आप किसी भी कंट्री में बहुत इजी वे में, अगर आपके पास उस कंट्री पे जाने के लिए पैसे वैसे हैं, तो आप बहुत इजीली उस कंट्री के अंदर जा सकते हो और काम कर सकते हो। आपको मान लो अपने बिजनेस के लिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरत है, तो आप विदेशों से बहुत इजीली मंगवा सकते हो, या विदेशी लोग भी हमारे यहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज मंगवाते हैं। यस और नो? जैसे हमारे भारत से चाय का एक्सपोर्ट होता है और मसालों का एक्सपोर्ट होता है हमारे भारत से, बहुत सारी चीजें, ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट होता है, गेहूं वगैरह का एक्सपोर्ट होता है, कपड़ों का होता है, कपड़ों में हम लोग बहुत माहिर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम हमारे भारत के अंदर यहाँ से जाते हैं, और कई सारी चीजें हम लोग विदेशों से क्या करते हैं? लेकर भी आते हैं। जैसे जैसे टॉयज आता है हमारे भारत में, है ना? कहाँ से आता है? गाड़ियां आती है जर्मनी से, इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज हैं, सर्विसेज लेते हैं हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो इन सारी कंट्रीज के बीच में रिसोर्सेज का आदान प्रदान जो होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इफ देयर इज ए पॉइंट ऑन विच मोस्ट इकोनॉमिस्ट एग्री, इट इज दैट ट्रेड अमॉन्ग नेशन मेक्स द वर्ल्ड बेटर ऑफ। इंटरनेशनल ट्रेड रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। यस और नो? अब हम पूरे, अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्लास के अंदर, यूएसए के अंदर पहले वो लोग जो 20 साल पहले 15 साल पहले जी चुके होते थे, हम लोग 20 साल बाद जी रहे होते पुराने जमाने में। जिन मोबाइल्स को वो फोन चलाना छोड़ देते थे, हम उसके कई साल बाद हमारे इंडिया में आते थे। लेकिन आज की डेट में क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड है, उसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत, मतलब खरीदना हमारा परचेजिंग कॉस्ट भी सस्ती पड़ जाती है। जैसे अब खिलौने खरीदते हो, कितने सस्ते मिल जाते हैं हमारे यहाँ। ऑल वेल, ये कहता है द फॉरेन प्रोड्यूसर ऑल्सो बेनिफिट्स बाय मेकिंग मोर सेल्स देन इट कुड सेलिंग सोलली इन इट्स ओन मार्केट एंड बाय अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज दैट कैन बी यूज बाय इटसेल्फ और अदर इन द कंट्री टू परचेज फॉरेन मेड। अब कोई बंदा, अब आप ही सोचो कि आपकी सर्विसेज, आपका गुड्स पहले लोकल एरिया में बिकता था और अब आप इंटरनेशनली उसको बेच पा रहे हो, तो ये भी आप लोगों के लिए एक अचीवमेंट है या नहीं है? इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट इंजन ऑफ ग्रोथ इन डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्री। ऑल वेल, तो इंटरनेशनल ट्रेड का क्या बेनिफिट है? नंबर वन, तो इंटरनेशनल ट्रेड इज ए पावरफुल स्टिमुलस टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम। मैं कह तो रहा हूँ, जैसे हम टीचिंग का था, हमारा टीचिंग भी अब इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है, पहले लोकल एरिया में था, पूरे भारत में हुआ, अब विदेशों में बच्चे बैठ के भी पढ़ लेते, नेपाल भूटान, कई बच्चे ऐसे हैं जो फॉरेन में बैठे हुए सीए कर रहे हैं, वो यहाँ आते हैं एग्जाम, फॉरेन में भी एग्जाम होते हैं, दुबई वही में एग्जाम होते हैं, तो वो ऑनलाइन पढ़ते
वहां जाके पेपर दे के आ जाते, समझ में आ रहा है। दूसरा कहता है एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू देयर बेस्ट यूज इज अ डायरेक्ट इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ फॉरेन। जो रिसोर्सेज का जहां सबसे अच्छा इस्तेमाल होना है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ग्रेटर एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ नेचुरल ह्यूमन इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंश्योर प्रोडक्टिविटी गेन्स। जैसे किसी कंट्री में कोई नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता होता है, वो बनाकर हमें सस्ते में बेचते हैं। अब उसी नेचुरल रिसोर्सेज को हम वहां से खरीदे, यहाँ लाए, फिर बनाए, तो हमारे को क्या पड़ेगा, समझ गए। तो सिंस इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो टेंड टू डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ डोमेस्टिक मोनोपोलीज, इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू द कॉमन कम्युनिटी। पहले बहुत फायदे उठाते थे लोकल मोनोपोलीज वाले, छोटी जो दुकानें होती थी ना, ये भाई ग्राहक के ऐसे की तैसे ही कर देते थे, खूब लूटते थे, एमआरपी पे जो लिखा उतने पे ही बेचेंगे, जबकि वो चीज उतने की आती नहीं है, एमआरपी तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है ना। तीसरा, ट्रेड प्रोवाइड एक्सेस टू न्यू मार्केट न्यू मटेरियल एंड इनेबल सोर्सिंग ऑफ इनपुट एंड कॉम्पोनेंट इंटरनेशनली एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, दिस रिफ्लेक्ट इन इनोवेटिव प्रोडक्ट एट लोअर प्राइजेस। अब देखो पूरे भारत पूरी दुनिया में मेरा माल जाएगा तो मुझे इनोवेशन की जरूरत है या नहीं, बोलो। ऐसे आउटडेटेड प्रोडक्ट बेचूंगा तो कोई आएगा खरीदने, इससे क्या होता है, इससे कंज्यूमर को फायदा होता है, कंज्यूमर की कंज्यूमर को उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाता है। चौथा, इंटरनेशनल ट्रेड नेसेसाइट्स इंक्रीज यूज ऑफ ऑटोमेशन सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल चेंज स्टिमुलेट इनोवेशन एंड फैसिलिटेट ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इन द। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ये सारे फायदे। अगला सुनो, ट्रेड ऑल्सो प्रोवाइड ग्रेटर स्टिमुलस टू इनोवेटिव सर्विस इन बैंकिंग इंश्योरेंस लॉजिस्टिक कंसल्टेंसी एक्सेट्रा। अब बैंकिंग इंटरनेशनल हो चुकी है, जानते हो सब, इंश्योरेंस इंटरनेशनल लेवल पे, लॉजिस्टिक मतलब स्टॉक्स इंटरनेशनल लेवल पे, और इमर्जिंग इकोनॉमी इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो बिकेगा वो सुपीरियर प्रोडक्ट बिकेगा, तो अगर आपने अपनी क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं किया, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं बनाई, तो आपका सामान बिकना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। All well. Opening up of new market result in broadening the productive base and facilitate export diversification so that new production possibilities are open. अब आप नए मार्केट में जाओगे तो अपना प्रोडक्ट बेस आपका बढ़ेगा, डाइवर्सिफाई करोगे। जैसे पार्ले जी पहले सिर्फ पार्ले जी बनाता था, अब वो सब कुछ बनाता है, टॉफी बिस्किट पानी फ्रूटी प्रूटी सब कुछ। तो ये क्या है, इसका डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं, इससे आपको नई मार्केट में एंट्री मिलेगी और इंटरनेशनली एक बार आपका नाम हो गया तो फिर आप दुनिया में कुछ कर लो। अगला कहता है, ट्रेड कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा या नहीं होगा, अब जैसे कि मान लो मैं यूएस में ट्रेड कर आया, तो जब इंडिया आऊंगा मैं यूरोप से ट्रेड कर आया, तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा या नहीं होगा, मैं वहां के बारे में कुछ सीख कर आऊंगा, या वो लोग हमारे यहाँ आएंगे तो यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। वो लोग ज्यादा सीखते हैं हमसे, हम नहीं सीखते, हम उल्टी चीजें सीखते हैं, वो सही चीजें सीख के जाते हैं। आपको पता है इंडियन कल्चर को वेस्टर्न लोग सबसे ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, और हम लोग साले वेस्टर्न को कर रहे हैं। वो थक चुके हैं, वो समझ गए, ये जो वेस्टर्न है ना, दारू सिगरेट इलिसिट चीजें जो होती हैं वो सब, वहां वो लोग बोर हो गए। लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही थी वहां पर, पता ही नहीं है, लड़के साले जुआ खेलते थे, ड्रग्स लेते थे, फैमिली में डिवोर्स हो रहे हैं, मम्मी पापा पता ही नहीं कौन किसका है। मैं आपको क्या मजाक लग रहा है, ये वाकई की बात है। अमेरिका में हिप्पीज होते थे पहले, सुना है हिप्पीज, हाँ वो ड्रग्स लेते थे, समझ गए। तो ये सारे जो लोग हैं अब वो साथ, अब इंडिया आ गए, वो लोग नहीं आए, उनकी सोच इंडिया आ गई जो हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली। हमें चाहिए पार्टी,
कर लेना पार्टी पार्टी, परिवार को बुलाओ, खाना खाओ, डिनर करो, बातें करो। साड़ो तुम ड्रग्स ले रहे हो पार्टी में। चलो, ट्रेड स्ट्रेंथन बॉन्ड बिटवीन नेशंस बाय ब्रिंगिंग सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट कंट्री टुगेदर। तो बताओ, जैसे इंडिया और बैंकॉक के बीच में मान लो कोई ट्रेड हो रहा है, तो दोनों कंट्री के बीच में क्या हो रहा है? अच्छे रिलेशन बन रहे हैं नहीं बन रहे? चलो, अब देखो ये अच्छा पॉइंट है, इसको सुनना। डिस्पाइट बीइंग ए डायनामिक फोर्स विच हैज एन एनर्मस पोटेंशियल टू जनरेट ओवरऑल इकोनॉमिक गेन्स, लिबरल ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑफन क्रिटिसाइज। तो इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ऊपर तो अच्छी अच्छी बातें बता दी ना, अब बुरी बुरी भी सुनो। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट इक्वली बेनिफिशियल टू ऑल नेशंस। बड़े बड़े देशों को इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा है, छोटे छोटे देश जो है वो जो हो रहे हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। पोटेंशियल अनइक्वल मार्केट एक्सेस एंड डिसरिगार्ड फॉर द प्रिंसिपल ऑन ए फेयर ट्रेडिंग सिस्टम मे इवन एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग कंट्रीज इफ दे डिफर इन देयर वेल्थ। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, उनके साथ में उनके लिए गलत है। दूसरा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज लाइकली आउटकम व्हेन अंडर प्रिविलेज कंट्री बिकम वल्नरेबल टू द ग्रोइंग पॉलिटिकल पावर ऑफ कॉरपोरेशन ऑपरेटिंग ग्लोबली। छोटी छोटी कंट्री को बड़ी बड़ी देशों के लोग जो है वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे हम इंडिया कितना बड़ा बन रहा है देखो, 41 साल बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। पता है आपको, 41 ईयर लास्ट में कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था, अब मोदी पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। मोदी हर यूनिक काम करता है, वो देखता है पहले हिस्ट्री, अच्छा कोई नहीं गया, चलो पाकिस्तान ऐसे ही पहुंच गया, सुबह पुलवामा वो अटैक हो गया। आ जाओ, सब्सटेंशियल एनवायरमेंटल डैमेज एंड एग्जॉस्टन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ शॉर्ट एंड स्पैन ऑफ टाइम। बोलो जी, हो रहा है नहीं हो रहा? सारे नेचुरल रिसोर्सेज की क्या हो रही है, ऐसी की तैसी हो रही। मैं कल ही अपनी वाइफ से बात कर रहा था, कल हम सुबह कल हम यहाँ तुम्हारी क्लास के बाद अगली क्लास नहीं हुई, बहुत बारिश हो गई थी, कहीं मुझे जाना था, एक छोटा सा काम था, वहां चले गए। ओ भाई, हम तो फिर रात को आए 12 बजे, पूरा घूम घाम के गाड़ी में बैठे हम तीनों, फिर हम कल बहुत सारी बातें कर रहे थे, गाड़ी चलाते हुए बातें कर रहे। कौन चले गए द्वारका, वहां से रोहिणी गए, द्वारका गए, मतलब दो तीन अलग अलग जगहों पर। तो बात करे तो मैं ये कह रहा था, इतना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त 2-4 बार गालियां भी दी मैंने, नहीं समझे? कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, भोंपू बज रहे हैं, भीड़ लग रही है गाड़ियों की, पॉपुलेशन इतनी है, रोड पार कर, हमारे यहाँ देखो रोड पार करने वाला बंदा क्या होता है, वो पार कर रहा होता है बस हाथ देता है। अब उसको तेरे को मतलब है कि तू ब्रेक मारे या नहीं, वो तो जाएगा, वो पार करते वक्त चलो। अब चाहे तू 100 में आ रहा हो, 150 की स्पीड में आ रहा हो, वो तेरी गलती है, तुझे रोकना चाहिए। मैं मरा हूं, अब तू जिम्मेदार है। कभी भी देखना, इंडियन हमारा बहुत डेंजर है। गाड़ी आ रही है, रुक, बड़े खतरनाक होते। तो मैं यही बात कर रहा था, मैं कहा यार कलयुग 4,32,000 साल का है, और अभी कलयुग को स्टार्ट हुए लगभग 5,000 साल हो गए, तो इस 5,000 साल में इतना एक्सप्लोइटेशन हो गया रिसोर्सेस का, ये मुझे नहीं लगता कि 4,32,000 साल तक पहुंचेगा। अच्छा, मेरी बीवी मेरे से बड़ी अच्छे से फिर इस पर टॉपिक पे हम वार्तालाप कर रहे थे, बाद में याद आया कि हम तो खुद 50 बार मर जाएंगे और देखने के लिए रहेगा कौन। तो लैंड देख रहे हो, एक ही लैंड पे फ्लोर 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 फ्लोर। पहले लोग एक सिंपल, आज भी रहते गाँव में, नीचे सिंगल घर होता है बस, छत पे कुछ नहीं, छत वो वाली होती है वैसे ना, घास फूस वाली होती है, वो सबसे अच्छी होती है, बांस की बनाते हैं, बांस को काट के।
कुछ आ रहा है समझ? इतना गंदा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, तो सोचो आज हो रहा है तो बिजनेस में होगा या नहीं होगा एक्सप्लोइटेशन? सारे नेचुरल रिसोर्सेज हम निकाल निकाल के लोगों को कंज्यूम करवा रहे। अरे क्यों कंजम्पशन करवा रहे लोगों को इतना, सिर्फ किस लिए? बिजनेस के लिए? कोई जरूरत है इतना कंजम्पशन की? हम जो कर रहे हैं, हम ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है, सब बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, ट्रेड साइकिल्स एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक क्राइसिस अकरिंग इन डिफरेंट कंट्रीज आर ऑल्सो लाइकली टू गेट ट्रांसमिटेड रैपिडली टू। आज यूएस के अंदर मान लो इन्फ्लेशन आ जाए, तो बताओ उसका इफेक्ट भारत पे पड़ेगा या नहीं, दूसरी कंट्रीज पे? तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के घाटे भी, अब मान लो हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं होता, हम अपने ही देश में काम कर रहे होते, अब वहां चाहे आग लग जाए पूरे यूएस में, हमें क्या मतलब, है ना? रिस्की डिपेंडेंस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री ऑन फॉरेन नेशन। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो बड़े बड़े नेशंस पे डिपेंडेंट है। फॉरेन ट्रेड करूंगा तो सामान मंगाऊंगा वहां से, और सामान जैसे कि कोविड में चाइना पे डिपेंडेंट हो गए थे मास्क वगैरह के लिए, तो चाइना उसका फायदा नहीं उठा रहा था, समझ गए? टू मच एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में डिस्टॉर्ट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अवे फ्रॉम द जेन्युइन इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ द, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो हमें जेन्युइन इन्वेस्टमेंट से दूर कर देगा, हम फालतू का काम कर रहे हैं। एंड फाइनली देयर इज ऑफन अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मेनी एस्पेक्ट रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग। There are also many risk in trade which are associated with change in government's policy. जैसे आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ चाइना के साथ, बढ़िया बिजनेस है मेरा भाई साहब, 100 करोड़ का बिजनेस है, 100 करोड़ का बिजनेस है, 50 करोड़ का मेरे पे लोन भी है, तो सही है, लोन डेप्ट इक्विटी रेशियो टाइप मैंने मैनेज किया हुआ है। अचानक से कोई गवर्नमेंटल इशू आया, चाइना के साथ भिंडत हो गई हमारी, एक मेरा माल आ रहा था 70 करोड़ रुपये का, वो रास्ते में था, अटक गया चाइनीज बॉर्डर पे था, वहीं से वापिस, यहां से मेरी गवर्नमेंट मेरे से, बैंक मेरे से 50 करोड़ मांग रहा है, मेरा बिजनेस खत्म। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से भी बड़ा पंगड़। तो विदेशों से काम करना एक बड़ा डर रहता है, कब क्या हो जाए। मतलब इंडिया और रशिया बढ़िया कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अभी पूतना से मिलकर आया था मोदी, आया था ना पुतिन वहां का राष्ट्रपति, तो उससे मिलकर आया था। अभी मान लो वो आपस में भिड़ जाते किसी बात पे, मान लो मोदी को रशियन समझ में नहीं आती, भाई लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, सालो कहाँ कहाँ चले जाते, ठीक है? इतने गंदे बच्चे हो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला कहते हैं। Important theories of international trade. चलो भाई चलो, कुछ important theories हम देखने वाले हैं international trade की। सबसे पहले the mercantilist view of international trade. Mercantilism का मतलब क्या होता है? मतलब जो trade and commerce लोगों का view क्या है? Trade and commerce affairs. मर्चेंटलिज्म अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा डिक्शनरी 2009, ये नाम याद रखना, नहीं होता तो दिखेगा, पढ़ा है तो दिखेगा, तो आंसर आ जाएगा। इज द इकोनॉमिक पॉलिसी ट्रेंडिंग इन यूरोप फ्रॉम 16th टू 18th सेंचुरी वेयर द गवर्नमेंट यूज पावर टू कंट्रोल इंडस्ट्री एंड ट्रेड विद द थियोरिटिकल बिलीव दैट नेशनल पावर इज अचीव्ड एंड सस्टेन बाय हैविंग कॉन्स्टेंट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ओवर। तो वो यूरोप क्या कहते थे, यूरोप कहते थे भाई जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, हमारा नेशन पावर बढ़ता जाएगा। अच्छा गलत भी नहीं है कुछ, आप एक्सपोर्ट करोगे फॉरेन एक्सचेंज आता है, जितना फॉरेन एक्सचेंज आपके पास है उतना बेस्ट है। तो नेशंस ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज आर अन इवनली एंडोर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डेवलप्ड। तो ये जो नेशंस के ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज है ये Unevenly जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए और डेवलप किए गए अलग अलग जगहों पर। दिस अलाउ फ्लो ऑफ लेबर, तो भाई
एक जगह से दूसरी जगह पे क्या आता है फिर, एक्सपोर्ट में तो लेबर भी होता है ना, रॉ मटेरियल भी होता है, कैपिटल भी और फिनिश प्रोडक्ट भी, जो एक देश से दूसरे देश पे जाता है। और इसकी वजह से मर्केंटलिज्म एज देयर अर्लीस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम दैट प्रपोज मैसिव एंड एग्रेसिव एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट टू एक्युमुलेटेड वेल्थ टू हैव फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड एंड टू बी स्टिल रेलिवेंट इन टूडेज इकोनॉमी। मैंने बोला ना आज भी यही चलता है, क्यों होता है, आपका एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ने से आपकी इकोनॉमी क्या होगी। यूरोप इतना बूस्ट क्यों है आज की डेट में, यूरोप ने ये काम किया 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में, बहुत ही बेकार वाहियात चीजों का एक्सपोर्ट किया और हमने खरीदा, अब वो हमसे खरीदता है। चलो, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, एडम स्मिथ सब जानते हो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, थॉट दैट द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। मिलता है नहीं मिलता कॉस्ट एडवांटेज, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, मेरे यहाँ खिलौना 10 रुपए का है, मैं बनाऊंगा 12 का पड़ेगा, और मेरे को 10 का पड़ रहा है मेरे यहाँ बिना बनाए, क्यों? क्योंकि जिस कंट्री में ये लोग बना रहे हैं वहां पर खिलौना बनाने के रिसोर्सेज हैं, तो कॉस्ट एडवांटेज मेरे को मिला या नहीं। तो अब मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा, अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ 10 रुपए का और 12 का बेच रहा हूँ, और मैं प्रोडक्शन करता तो 12 का पड़ता तो मैं 14 का बेचता तो शायद कम बिकता, और अब 10 का पड़ रहा है 12 का बेच रहा हूं, तो सोचो कितना फायदा। ऑल वेल, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज वुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल इफ वन कंट्री कुड प्रोड्यूस वन कमोडिटी एट एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर द अदर कमोडिटी एंड अदर कंट्री कुड इन टर्न प्रोड्यूस अनदर कमोडिटी एट एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर द फर्स्ट। मतलब दोनों देश एक दूसरे को कुछ ऐसी चीज दे जो दोनों ही अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करते हो और दोनों एक दूसरे की कंट्री में क्रॉस नहीं हो रहा है। जैसे मैं आज जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ यूरोप में नहीं होता प्रोड्यूस, और जो यूरोप करता है वो मेरे यहाँ नहीं होता, तो यूरोप ने अपने यहाँ किया कॉस्ट एडवांटेज मेरे को मिला, मैंने अपने यहाँ किया उसका कॉस्ट एडवांटेज किसको मिला। इन अदर वर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ पार्टी चाहे इंडिविजुअल फर्म या कंट्री टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट और सर्विस देन कॉम्पिटिटर यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ। अब ये भी बड़ा अच्छा है, एक बार बताओ जितने रिसोर्सेज मेरे पास है उतने ही तुम्हारे पास है, तो ज्यादा किसका काम चलेगा, जो अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, दोनों का नहीं, वो गुड क्वालिटी विद सेम प्राइस या रीजनेबल प्राइस। चाइना साला सस्ता देता है, क्वालिटी अच्छे मामले में अच्छी भी देता है वो, तुम हल्के में मत लो चाइना को, चाइना को पता है कि मेरा माल कौन खरीद रहा है, वो उसके हिसाब से क्वालिटी डिसाइड करता है, वो अच्छा माल जो देगा ना तो चाइनीज, फिर चाइना वाला प्रोडक्ट भी बहुत तगड़ा होता है। वो तुम लोग क्यों बोलते हो, क्योंकि तुम सस्ता खरीदते हो, तुम इन द सेंस इंडियन, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम्हारे दिल पे लग गई होगी बात। एडम स्मिथ फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूजिंग लेबर एज द ओनली इनपुट। ये आपके में क्वेश्चन आ सकता है, एडम स्मिथ ने सबसे पहले क्या लेबर की बात करी। सिंस एब्सोल्यूट एडवांटेज डिटरमाइंड बाय सिंपल कंपैरिजन ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, तो ये नेशन टू नेशन डिफर करेगा या नहीं। जैसे इंडिया की लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत डेंजर है, हम इंडियंस बहुत तगड़ा काम करते हैं तभी तो हमें बुलाते हैं वो लोग। इट इज पॉसिबल फॉर ए नेशन टू हैव नो एब्सोल्यूट एडवांटेज एनीथिंग इन दैट केस अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज नो ट्रेड विल अकर। अगर कोई एडवांटेज नहीं है तो ट्रेड नहीं हो सकता। बताओ कोई मेरे से इम्पोर्ट क्यों करेगा, मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट क्यों करेगा, क्योंकि उनकी कंट्री में वो माल अच्छा, मान लो सस्ता और अच्छा उन्हीं के देश में मिल रहा है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई जो हमसे मंगाएंगे, समझ गए। इट कैन बी कंट्रास्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज विद रेफरेंस टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक गुड्स एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अजम्पशन है एब्सोल्यूट एडवांस थ्योरी की, एडवांटेज थ्योरी की, ट्रेड बिटवीन क्या हो रहा है, दो कंट्री,
it took into consideration two country and two commodity framework. Assumptions है, कोई भी transportation cost वहां पर नहीं है, आने जाने की transportation cost को हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे difference हो सकता है, कोई country में ज्यादा transportation cost लगता है और किसी में, किसी country में ज्यादा import duty लगती है, किसी में import duty कम लगती है, तो फिर आंसर अलग आ जाएगा, इसलिए इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करा, स्मिथ अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी वर कंप्यूटेड बाय द रिलेटिव अमाउंट ऑफ लेबर, तो यहां सिर्फ लेबर की बात करी, इसने कहा लेबर मोबाइल है, मोबाइल मतलब, तो ही इम्प्लिसिटली अज्यूम दैट एनी ट्रेड बिटवीन टू कंट्री कंसिडर वुड टेक प्लेस इफ ईच ऑफ द टू कंट्री हैड एन एब्सोल्युटली लोअर कॉस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द, आ गया समझ, मतलब मैं आज जो बेच रहा हूं उसमें मेरी सबसे लोअर कॉस्ट है तो मेरे को इसका एडवांटेज मिलेगा, इसका नाम ही एब्सोल्यूट एडवांटेज, जैसे चाय है इंडिया में बड़ी सस्ती है, इंडिया को इसका क्या मिलता है, एडवांटेज मिलता है। एक चीज और, इंडिया से मसालों का एक्सपोर्ट होता था, वो एक्सक्लूसिव एडवांटेज इंडिया लेता था इस चीज का कमोडिटी में, सेंचुरी जो थी 15, 16, 17, 18, 19 सेंचुरी, इतनी तगड़ा अपॉर्चुनिटी था हमारे यहाँ पे, ये केरल वाले नहीं थे, साउथ वाले सब जहाजों में भर भर काला सोना बोलते थे उसको, काली मिर्च को, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च आंध्र प्रदेश से राजस्थान से जाती थी और आज भी जाती, अब तो ये एवरेस्ट और एमडीएच को कई कंट्रीज ने बैन कर दिया केमिकल मिला के, तुम लोग भी यही खाते हो और हम कहते हैं इससे अच्छा मसाला नहीं है एमडीएच, तभी तो उनका टेस्ट अच्छा आता है। मैं तो बताऊं हमारे भारत में हम जितना भी खाते पीते ना आधे से ज्यादा वो कूड़ा खाते, आदत एक ही से सात कैंसर निकलती है फिर, और यकीन नहीं है तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाओ मुंबई में, TMH, या राजीव गांधी है यहाँ पर वेस्ट दिल्ली में कैंसर हॉस्पिटल जाके देखना लाइन से कैसे, मतलब हमें नहीं हुआ का मतलब ये नहीं हमें नहीं होगा, हमें एक ना एक दिन मतलब इसका शिकार हो सकते हैं जिस तरीके का प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, ये जो करते नहीं है मुंह पर लुईपा पोती सुबह सुबह क्रीम आ रही है फिर ऊपर से कुछ और लग रहा है, उससे कितने स्किन कैंसर वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या करें सर, कुछ नहीं यही करना है, नो अदर ऑप्शन। चलो द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, अब अगला देख लें, इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स डेविड रिकार्डो ऑब्जर्व दैट, क्या नाम है इस बंदे का, तो एडम स्मिथ ने दिया कौन सा, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी याद रहेगा, और उससे पहले हम लोगों ने अच्छी और बुरी बातें पढ़ी किसकी, इंटरनेशनल ट्रेड की। अब ये जो बंदा है डेविड रिकार्डो ने ऑब्जर्व किया ट्रेड वॉज ड्रिवन बाय कंपैरेटिव रेदर देन एब्सोल्यूट कॉस्ट, अब एक इकोनॉमिस्ट के अगेंस्ट में दूसरा आता ही तो जानते ही हो आप, वन कंट्री मे बी मोर प्रोडक्टिव देन अदर इन ऑल गुड्स, हो सकता है या नहीं, कोई जरूरी है सब कंट्री में अपना अपना एडवांटेज हो, कुछ के पास हो सकता है एडवांटेज ना भी हो, इन द सेंस दैट इट कैन प्रोड्यूस एनी गुड्स यूजिंग फ्यूअर इनपुट जैसे कैपिटल, और एडम स्मिथ ने इनपुट में क्या लिया था, लेबर, और यहां कैपिटल और लेबर दोनों ले रहा है, एंड अदर कंट्री रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम गुड्स, रिकार्डोज इनसाइड वॉज दैट such a country would still benefit from trading according to its comparative advantage, exporting product in which it is absolute advantage was greatest and importing product in which absolute advantage was comparatively less, even if still positive, when a country that is more efficient in everything it makes would benefit from trade, jaise ye example lete hain, कंट्री ए 1 hour ऑफ लेबर कैन प्रोड्यूस इधर 3 kg ऑफ स्टील और 2 shirt, 1 घंटे की लेबर 3 kg का स्टील और 2 shirt प्रोड्यूस कर सकती है,
कंट्री बी, 1 आवर ऑफ लेबर कैन प्रोड्यूस ईदर 1 kg ऑफ स्टील और 1 शर्ट. कंट्री ए इज मोर एफिशिएंट इन बोथ. तो ये क्या कह रहा है, ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट में आप एफिशिएंट हो. नाउ सपोज कंट्री बी ऑफर टू सेल कंट्री ए 2 शर्ट इन एक्सचेंज फॉर 2.5 kg ऑफ स्टील. कंट्री बी ये वाली जो है, ये वाली जो है, ये वाली कंट्री कह रही है कि हम आपको क्या देंगे, 2 शर्ट देंगे 2.5 kg स्टील के बदले. तो टू प्रोड्यूस दीज एडिशनल 2 शर्ट कंट्री बी डाइवर्ट 2 आवर ऑफ वर्क फ्रॉम प्रोड्यूसिंग 2 kg ऑफ. तो देखो इसका स्टील भी कम आता है कंट्री बी का, 1 घंटे की लेबर में या तो वो 1 किलो का क्या ला सकते हैं, स्टील ला सकते हैं या 1 शर्ट ला सकते हैं. तो अब उसको अपनी लेबर पे काम करना पड़ेगा या नहीं, बोलो जी बोलो. तो कंट्री ए डाइवर्ट 1 आवर ऑफ वर्क फ्रॉम प्रोड्यूसिंग 2 शर्ट, इट यूजेस दैट आवर ऑफ वर्क टू इंस्टेड प्रोड्यूस 3 additional kg ऑफ. क्या कह रहा है बताओ, क्या कह रहा है? अगर शर्ट कहीं और से आ रही है तो वो ये क्या बना लेंगे, ये ज्यादा स्टील बना लेंगे. नहीं समझे? तो मैं अपनी लेबर को कहां लगा दूंगा, स्टील पे, और ज्यादा स्टील बनेगी तो मैं उसको 2.5 kg स्टील दूंगा और बदले में मुझे क्या देगा वो, 2 शर्ट. ऑल वेल, कोई टेंशन. इसको कहते हैं कंपेयर करना, कंपैरेटिव एनालिसिस. तो कंपैरेटिव हो रहा है नहीं हो रहा, चलो अब ये एक अगले बंदे की देख लो. हैक्शियर ओलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड. तो देख, एडम स्मिथ आ गया, डेविड रिकार्डो आ गया, नाम याद रखना, और तीसरा नाम क्या है, हैक्शियर ओलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड. तो देखो इस बंदे ने क्या बोला, Differences in comparative advantage may arise for several reasons. In the early 20th century, Swedish economist Hackscher and Bertil Ohlin, बड़ा लंबा नाम है इसका, साउथ इंडिया गया था क्या, identified the role of labor and capital, so-called factor endowment, as a determinant of advantage. एक्सचर ओली ना, दो अलग अलग लोग है. प्रपोजिशन मेंटेन दैट कंट्रीज टेंड टू एक्सपोर्ट गुड्स हुज प्रोडक्शन यूज इंटेंसिवली द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज रिलेटिवली अबंडेंट इन दैट कंट्री. क्या कह रहा है, कोई बताएगा? कह रहा है कि जो कंट्री कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है उनको कैपिटल एक्सपोर्ट करना चाहिए, जो लेबर इंटेंसिव है उनको. देखो कंट्रीज वेल एंडोर्ड विथ कैपिटल जैसे फैक्ट्री और मशीनरी शुड एक्सपोर्ट. जहां पर लेबर है उनको क्या करना चाहिए. वैसे इसने भी गलत नहीं बोला, हमारे यहाँ कैपिटल इंटेंसिव है पूरा, मान लो हमारे भारत में लेबर इंटेंसिव है तो हमें सबसे ज्यादा काम क्या करना चाहिए. चाइना ने यही, चाइना ने दोनों करे, लेबर भी और एक्चुअली वो लेबर इंटेंसिव था, उसने अपने आप को कैपिटल इंटेंसिव बनाया और अब हम लेबर इंटेंसिव भी है और हम भी कैपिटल इंटेंसिव बन गए. और जिसके पास ये दोनों चीजें हैं ना तो वो देश तो महान है फिर. द इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन कमिंग फ्रॉम फॉरेन फर्म पुट प्रेशर ऑन प्रॉफिट फोर्सिंग लेस एफिशियंट फर्म टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मेकिंग रूम फॉर मोर एफिशियंट फर्म. तो देखो यहां पर ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं. कंपैरिजन ऑफ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एंड मॉडर्न थ्योरी. मॉडर्न थ्योरी कौन सी है, जो अभी आई है 20वीं सेंचुरी में, कौन लेकर आया ये, यही दो लोग, ठीक है. और कंपैरेटिव कौन सी है, हाँ एडम स्मिथ या
रिकार्डो की। तो देखो कंपैरेटिव कॉस्ट कह रहा है बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज, कंपैरेटिव कॉस्ट मॉडर्न कह रहा है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिफरेंस इन कंपैरेटिव एंड डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट। इसने फैक्टर को पकड़ा, मॉडर्न वाले ने किसको पकड़ा, फैक्टर को, मतलब कैपिटल या लेबर। कंपैरेटिव बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, और ये था बेस्ड ऑन मनी कॉस्ट विच इज मोर रियलिस्टिक। एक और पॉइंट पढ़ रहा हूं, कंसीडर लेबर एज द सोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इसने क्या बोला, इसने बोला जिसमें आप ज्यादा अच्छे हो आपको वो काम करना चाहिए, जैसे लेबर भी और सही है, सबसे ज्यादा कंपैरेटिव पहले वाली थी एडम की, वो उससे पहले सेंचुरी से चल रही थी। ट्रीट इंटरनेशनल ट्रेड एज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम, और ये कह रहा है इंटरनेशनल ट्रेड इज ओनली अ स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल, स्टडी ओनली कंपैरेटिव कॉस्ट और कंसीडर द रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ द, मतलब ये जो बंदा है ना मॉडर्न वाला, ये इससे एक स्टेप आगे गया, इसने प्राइस चेक किए कंपैरेटिवली। ऑल वेल, तो इनके कुछ के बस नाम वाम याद रखना, बाकी ओके। अब देखो मैंने आपको, मैं इसके कुछ नोट्स आपको दूंगा, ये जो है ना लास्ट के चैप्टर, इनके लिए नोट्स जरूरी है, ठीक है, मैं आपको जल्दी ही नोट्स देता हूँ, काम कर रहा हूँ, पिछले वाले खो गए थे लास्ट अटेम्प्ट के, बस इस बार देता हूँ, उसी को बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। बताओ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या आता है, ग्लोबल ट्रेड ये कब आया, तो देखो द रिवॉल्यूशन दैट स्वेप्ट थ्रू द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द फर्स्ट हाफ हाफ ऑफ 80s, the rise of so called new trade theory left many of inside of traditional trade theory intact, in particular introducing imperfect competition, kyunki jab baat market ki aa jati hai na world market ki to perfect competition rehta hai ya imperfect, and increasing return into the picture does not alter the fundamental point that trade is a positive sum game generally carried on to countries mutual benefit, indeed the new trade theory add the positive sum by enlarging market, market enlarge hui, international trade ke competition kya hua bada, allow hua greater exploitation of economies of scale, ye bhi hua, both of which represent gain over and above those due to comparative advantage. So kya kehta hai ye, aap isko padhna, theek hai ye wala point, ये मैं ज्यादा नहीं बता रहा, ये थ्योरी है पढ़ लोगे ये वाला नॉर्मल, ठीक है। मैंने मेन तीनों जो आपका एक क्या क्या नाम है, एडम स्मिथ, रिकार्डो, ठीक है, ये आप लोगों को तीनों के तीनों नाम, बस ये तीनों नाम, इनकी टेक्निक क्या थी, एक की लेबर थी कैप, हाँ ठीक है, बस इसको आपको पढ़ लेना, बाकी इससे ज्यादा इस चैप्टर के अंदर नहीं आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली